Assalamu alaikum. I am Muhammad Kamran Halil from your favorite YouTube channel, The Twins Academy. आज बेटे जो टॉपिक डिस्कस करना है और जो नया टॉपिक है हमारे सिलेबस से रिलेटेड, दैट इज द स्पेस फिजिक्स. अगर आप अपना सिलेबस देखें जो आपका 2023 से 2025 तक है, तो ये आपके पास यूनिट नंबर 6 है. इसके डिफरेंट पोर्शंस हैं. पहले आपके पास जी अर्थ एंड द सोलर सिस्टम 6.1, देन द नेक्स्ट वन इज द स्टार्स एंड द यूनिवर्स. ये दो आपके पास बेसिक इसके पोर्शंस हैं. ठीक है, तो अभी हम पहले पोर्शन को स्टार्ट करेंगे. उसमें से भी 6.11 इस वीडियो में मैं कवर करूंगा और इन द कमिंग डेज वो मैं बाकी जो इसके पोर्शन है उसको आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करता जाऊँगा. सो स्पेस फिजिक्स पहला इसका जी अर्थ एंड द सोलर सिस्टम. अर्थ जहां पे हम लोग रह रहे हैं जी, इस प्लैनेट के ऊपर, दिस इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. इसके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन एज अ साइंस स्टूडेंट यू मस्ट नो. और बेटे रोटेशन क्यों हो रही है? रोटेशन की रीजन बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स है. सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा एक्ट करती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से आपके पास अर्थ या कोई और प्लेनेट है वो सन के सराउंडिंग में क्या करता है, रोटेट करता है. अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी, इट मीन्स दैट अर्थ या कोई और प्लेनेट उसके सराउंडिंग में रोटेट नहीं करेगा. दिस फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मास ऑफ द सन एंड द मास ऑफ द अर्थ. इस पर आगे जाके इन डिटेल डिस्कशन करेंगे जो इसका नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है. ये पहला पोर्शन है, बड़ा बेसिक सा पोर्शन है. अगर आप इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखें तो पहला इसका बेटे लर्निंग ऑब्जेक्टिव आता है द अर्थ इज अ प्लैनेट दैट ऑर्बिट द सन वंस इन अप्रोक्सीमेटली 365 डेज. यानी अर्थ को सूरज के सराउंडिंग में एक पूरा चक्कर मुकम्मल करने में तकरीबन कितने दिन लगते हैं? 365 दिन लगते हैं, 365 डेज. लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर बी, द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज एन एलिप्स व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर. अर्थ जो है ना वो सन के सराउंडिंग में एग्जैक्ट सर्कुलर फॉर्म में रोटेट नहीं कर रही, दैट इज द एलिप्टिकल पार्ट. जैसे अंडा आपके पास होता है, ठीक है, तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली कह लेते हैं जी दैट इज अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, बट नॉट द एग्जैक्ट द सर्कुलर पाथ. इसीलिए यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव में इसने लिखा जी द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज एन एलिप्स व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर. थर्ड इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव आ गया जी द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस व्हिच इज टिल्टेड वंस इन अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स. यानी अर्थ को अपने एक्सिस के सराउंडिंग में रोटेट करने के लिए 24 आवर्स रिक्वायर्ड है. एक तो वो रोटेट कर रहा है अराउंड द सन और दूसरा वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी रोटेट कर रहा है. तो जब अर्थ अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करती है तो बेसिकली आपके पास बनते हैं डेज एंड नाइट्स. और जब अर्थ आपके रोटेट करती है अराउंड द सन तो आपके पास फिर डिफरेंट सीजन्स बनते हैं. तो वो IGCSE के सिलेबस के अंदर वो इन डिटेल उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में, लेकिन ओ लेवल्स के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में वो इंक्लूडेड नहीं है कि डेज एंड नाइट क्यों बनते हैं एंड व्हाट इज़ द बेसिक रीजन फॉर द सीजन्स. तो अर्थ को अपने एक्सिस के सराउंडिंग भी रोटेट करना है ताकि दिन और रात हमारे जो उनसे हैं वो बनते जाएं. तो पहले तीन लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो बड़े आसान है जी, ये आपको बस बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखनी है इससे रिलेटेड. फिर आ जाते हैं जी नेक्स्ट में हमारे पास मून, चांद. द मून इज अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट. इस डायमीटर इज अबाउट 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ. ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो एज अ साइंस स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए. द मून इज द फिफ्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम और इसका अर्थ से अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है जी 400,000 किलोमीटर. अब बात करते हैं जी मून के. इट टेक्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर डी
इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 1 month फॉर मून टू ऑर्बिट द अर्थ. ये इसका आपके पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, यानी मून जो है वो अर्थ के सराउंडिंग में एक कंप्लीट चक्कर कितने दिनों में पूरा करेगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 month. इसकी एग्जैक्ट ड्यूरेशन भी देखते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि उतराव चढ़ाव क्यों आता है. द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. अर्थ के सराउंडिंग में बहुत सारे सैटेलाइट मूव कर रहे हैं, वो मैन मेड सैटेलाइट हैं आपके, कुछ जो लोग हम लोग छोड़ते हैं. तो ये नेचुरल सैटेलाइट है जो बाई नेचर जो है वो अर्थ के सराउंडिंग में मूव कर रहा है. इट ट्रेवल्स राउंड इन इट्स इन एन अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर ऑर्बिट अप्रोक्सीमेटली वंस इन सम मंथ एट एन एवरेज डिस्टेंस अवे ऑफ अबाउट 400,000 किलोमीटर. तो अगर आप ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं जी 400,000 किलोमीटर, तो आप भी जाके चांद पे अपना घर बना सकते हैं. वैसे तो कई ऐसी कंपनीज हैं अमेरिकन जो चांद के ऊपर प्लॉट सेल आउट कर रही हैं. सो अगर आप में से कोई खरीदना चाहे तो खरीद लें, क्योंकि अभी ज़मीन सस्ती है जी चांद पे. बाद में जब वहाँ पे आबादी होगी तो फिर जगह मिलना मुश्किल हो जाएगी. द मून टेक्स अबाउट 1 month टू ऑर्बिट द अर्थ, 27.3 days, बट 29.5 days टू चेंज फ्रॉम न्यू मून टू द न्यू मून. तो ये चेंज होता रहता है क्योंकि आपके पास ओरिएंटेशन चेंज होती है, तो इसलिए एवरेज जो हम वो ले लेते हैं जी कि 1 महीना जो है वो आपके पास लगता है मून को अर्थ के सराउंडिंग में एक कंप्लीट चक्कर पूरा करने के लिए. अच्छा जी, फिर ये बेटे आता है जी नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव. ये कैलकुलेशन में बेसिकली आ जाएगा. नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव में कहते हैं जी, इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 500 seconds फॉर लाइट फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ. अब हमें पता होना चाहिए कि लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. लाइट की स्पीड होती है जी 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, या 3.0×10⁸ मीटर पर सेकेंड. सो अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं. स्पीड डैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. सो डिस्टेंस इज 150,000 किलोमीटर, एंड देन द स्पीड ऑफ लाइट इज 300,000 किलोमीटर. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, and 3, 5. So we will just get the time. यहाँ से किससे आ जाएगा जी? So time हमें चाहिए. Time that is equal to इसको बना लेते हैं फॉर्मूले को. टाइम डैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड. सो टाइम मेरे पास क्या आ जाएगा जी? डैट इज इक्वल टू 500 seconds. फार्मूला रीअरेंज कर लें. स्पीड डैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. सो टाइम डैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड. तो डिस्टेंस हमारे पास था 150,000 किलोमीटर और स्पीड थी हमारे पास 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड. तो इन दोनों को डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 500 सेकेंड. MCQs में आ सकता है या थ्योरी के क्वेश्चन में आ सकता है. तो स्पीड आपको याद होनी चाहिए कि लाइट विल ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 3.0×10⁸ मीटर पर सेकेंड या 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड. अच्छा जी, इस पहले यूनिट का लास्ट आपके पास आ जाता है जी, डिफाइन द एवरेज ऑर्बिटल स्पीड. तो एवरेज ऑर्बिटल स्पीड के लिए डिफाइन करने के लिए आप इक्वेशन लिखेंगे 2πr/T, where r is the average radius. Basically, ये पूरी डेफिनेशन आप ये फार्मूला लिख के आगे उसको डिफाइन कर दें उसके डिफरेंट पैरामीटर्स, देन यू विल गेट 2 after 2. सो ऑर्बिटल स्पीड बेसिकली होती क्या है जी आपके पास है? कि अगर आपके पास एक सैटेलाइट है एंड इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, तो ये कितनी स्पीड से अर्थ के सराउंडिंग में स्पिन कर रहा है? क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और ये सर्कल है, सर्कल के अंदर ये कंप्लीट रोटेशन का डिस्टेंस होता है जी 2πr, और टाइम के साथ हमारे पास आ जाता है जी टाइम पीरियड, बिकॉज दैट इज द टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. इसकी एक एग्जांपल करते हैं. फॉर एग्जांपल, अ सैटेलाइट इज प्लेस्ड
सैटेलाइट इज प्लेस्ड 7100 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस एंड टेक्स, कितना टाइम इसको लगता है जी? 100 मिनट्स, 100 मिनट टू कंप्लीट वन रोटेशन। तो कहते हैं जी इसकी आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। तो अब देखें क्या क्या आपके पास गिवन है, वो डाटा आप यहां से देख लें जी। आपके पास गिवन है जी यहां पे डिस्टेंस गिवन है, क्योंकि अबाव द सरफेस ऑफ अर्थ का क्या मतलब है कि ये अर्थ का सेंटर है और यहां से इतने डिस्टेंस के ऊपर आपके पास ये सैटेलाइट है। अर्थ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जी, अर्थ एंड सैटेलाइट। तो यहां से इसका रेडियस बेसिकली कितना बन रहा है हमारे पास, 7100 किलोमीटर। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जी, 2πr/t, सो 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू एज इट इज कैलकुलेटर से, और रेडियस मेरे पास है जी 7100 किलोमीटर, मस्ट कन्वर्ट इनटू मीटर, और यूनिट इसका गिवन है टाइम का मिनट्स में, आप लोग इसको कन्वर्ट करेंगे जी सेकेंड्स में, सो देन यू विल गेट आंसर विच इज 7435 मीटर पर सेकेंड, और अगर आप इसको 2SF में लिखें देन इट विल बिकम 7.4 × 10³ मीटर पर सेकेंड। ले जी ये हमारा स्पेस फिजिक्स का पहला टॉपिक है जी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, तो इनशाला इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे मिलके, और इसका जो टेस्ट यूर सेल्फ जो आपकी रिकमेंडेड बुक है उसमें से भी इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपके कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है रिलेटेड विद दिस फर्स्ट वीडियो, तो ज़रूर आप मुझे बताइएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी आपके जानने वाले उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज जो है वो इससे रिलेटेड मिलती रहे। ओके जी, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।